हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे मूंग दाल ढोकला। बेसन का ढोकला अमूमन घर में बनता ही रहता है, लेकिन मूंग दाल ढोकला भी घर पे बनाना बेहद आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। बच्चों को दालें खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप उन्हें ढोकला बना के दें तो ज़रूर शौक से खाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन ऑफ चैनल इज़ एब्सोल्युटली फ्री, इसका कोई कॉस्ट नहीं जाता है। इससे जो भी मेरे रिसेंट अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हम गर्म तेल में एक चम्मच राई डालेंगे। राई अच्छी तरह भुन गई है, अब हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने ढोकले की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे नमक एज़ पर टेस्ट और चीनी। चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ढोकले का पानी थोड़ा मीठा ही बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस, जिससे पानी में खट्टापन आएगा, और इसे पकने देते हैं। नींबू का रस भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पानी पसंद है तो आप थोड़ा नींबू का रस बढ़ा भी सकते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं और पानी में अच्छे तेज उबाल आने लगे हैं। अब ये पूरी तरह तैयार है, इसको बंद कर देते हैं। अब हम ढोकला बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली है। इसे मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और उसके बाद मिक्सी में इसे पीस लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमें बैटर ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच चीनी, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे नमक एज़ पर टेस्ट। ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने पानी में भी नमक डाला है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, जिससे ढोकले में अच्छा येलो कलर आएगा। 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें इनो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बर्तन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस ढोकले को ओवन में 4 से 5 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर आप ओवन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली जैसे गैस पे ढोकला या इडली बनाते हैं उस तरह से इसको स्टीम कुक कर सकते हैं। 5 मिनट बाद ढोकला पूरी तरह बन के तैयार है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। टूथपिक लेंगे, टूथपिक क्लियर बाहर आई है। ढोकला हमारा परफेक्टली बेक हो गया है। अब जो पानी हमने पहले तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग बड़े या छोटा काट सकते हैं। मैंने ढोकले को छोटे पीसेस में ही कट किया है। अब हम एक स्पून लेंगे और उससे ढोकले के पीस को बहुत सॉफ्टली बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ढोकला कितना परफेक्ट बना है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको हम थोड़े से बारीक कटे हरे धनिए के साथ गार्निश कर देते हैं और इसी के साथ साथ इसको गार्निश करेंगे 0 नंबर नमकीन के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं। मूंग दाल ढोकला बनके तैयार है। ये देखने में एकदम परफेक्ट और खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।